राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो तो दोस्तों, ये मेरा सुबह का ब्लॉग है। सुबह से मैं अब शुरू कर रही हूँ 11 बजे से मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है। तो काम तो हो चुका घर का, नाश्ता भी हमारा हो गया। नाश्ते में खाई थी हमने मैगी, वो मैं आपको दिखा नहीं पाई। अभी आने की करेंगे अब तैयारी, तो विशाल जाएगा तो उसके लिए जल्दी खाना बनाना। एनसीसी जब था 2 बजे का, 10 तारीख में पेपर है, तो उसकी रोज़ डेली की वहाँ पे प्रैक्टिस हो रही है, तो उसकी वजह से जल्दी जल्दी खाना भी बनाना पड़ता है। खाना खा के जाता है, मौसम थोड़ा ख़राब हो रहा, ठंडा लग रहा। बीच में गर्मी हो गई थी, फिर अभी फिर दोबारा से ठंड सी होगी, क्योंकि पहाड़ों पर हो रही है बर्फ़बारी। तो शिमला पास में ही है चंडीगढ़ के, तो शिमला में बर्फ़बारी होती है, मौसम ख़राब होता, तो चंडीगढ़ में भी थोड़ा सा फर्क पड़ जाता। तो ये सब बैठे हैं नाश्ता करके, अभी चलते हैं, देखते हैं क्या बनाते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि आज बनाते हैं गट्टे की सब्जी, यानी के हमारे तो वहाँ पे यूपी में बोलते हैं कतली, बेसन की कतली, उसको बना के फिर उसकी सब्जी बनाएंगे। तो मैं दिखाती हूँ आपको कैसे बनती है। तो करते हैं अभी शुरू काम। साथ में थोड़ी चाय भी बनाते हैं, ठंडा लग रहा है तो चाय पीने को मन कर रहा, तो थोड़ी सी चाय बनाऊंगी मैं अपने लिए। तो कोई पीता नहीं है चाय, तो थोड़ी सी बनाऊंगी मैं चाय अपने लिए। तो मैंने चढ़ा दिया चाय को पानी, तो उसे डोंगे में, बाकी तो कोई चाय नहीं पी रहा, तो मैं ही अपने लिए बना रही हूँ। तो ज़्यादा बड़े बर्तन में क्या बनाना, तो मैं अपने लिए छोटा सा ये डोंगा इसी में बना लेती हूँ। थोड़ी सी चाय, थोड़ी चीनी, तो मैंने इसमें इलायची कूट दी है। प्रीति चाय पीने बन गई हाँ? और क्या ले ले। तो प्रीति को पूछ रही थी चाय के लिए अगर पिएगी तो, क्योंकि तो थोड़ी ज़्यादा बन गई चाय, तो फेंकने से अच्छा कोई पी लेगा। थोड़ी चाय देखिए, तो ये बैठी है बाहर प्रीति, उसको दे देती हूँ ये ले। चाय तो बढ़िया बनी। तो मैंने ये शुरू कर दिया है, बेसन ले लिया, अब बनानी शुरू करते हैं हम कतली, बेसन की कतली। तो पहले डालेंगे हम जीरा,
थोड़ा जीरा डालना, फिर ये मैंने साबुत धनिया थोड़ा कूट दिया, ये डालना, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसमें डाल देंगे हम थोड़ी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी हल्दी, थोड़ा नमक मिक्स कर लेते हैं। और ये इधर मैंने पानी चढ़ा दिया, गरम हो गया काफी पानी, तो इसमें हम पानी में इसको डाल लेंगे, बॉईल करेंगे। और इसमें थोड़ा डालना तेल, जिससे ये बने सॉफ्ट। इसको ऐसे मिक्स कर लेना अच्छे से। इसमें थोड़ा पानी डालकर इसको करते हैं तैयार। तो इस तरीके से ये बन चुका। तो अब इसको हम या तो तेल हाथ में तेल लगा के या ऐसे पानी लगा के इसको ऐसे पानी में डालना। पानी लगा के थोड़ा हफ्तों में पानी लगा के अब बना रही हूँ। तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, हाथ में भी कर सकते हो, ऐसे भी इसको ऐसे भी बना सकते हो खाली के अंदर, और ऐसे बना के इसको पानी में छोड़ के। तो ये मैंने बना के डाल दी है इसमें। तो अब ये जब बन जाएगी, बॉइल हो जाएगी, तब फिर इसको मैं निकाल दूंगी। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी कतली बन चुकी है, पक चुकी है अच्छे से। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं बाहर। और ये जो इसमें पानी है बचा, ये हम इसको फेंक देंगे नहीं, हम इसको डाल देंगे इसकी ग्रेवी में। तो बनाने के बाद मसाले में इसको ग्रेवी में डाल देंगे। तो अब इसके हम छोटे छोटे पीस काट लेते हैं। दोस्तों ये मैंने काट लिया, इसको हम फ्राई करेंगे। कढ़ाई मैंने चढ़ा दी, तेल भी गर्म हो गया। मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ। अब इसमें मारते हैं हम तड़का, डाल देते हैं जीरा,
और थोड़ी हींग, ये है अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट। मसाला भून चुका, डालते हैं हल्दी, लाल मिर्च, थोड़ा किंग मसाला, एक चम्मच धनिया पाउडर, गरम मसाला, इसमें दही, डाल देते हैं स्वाद अनुसार, ग्रेवी, दो टमाटर, तो पकड़ लेंगे इंसानों के बीच में चल जाते हैं ना, वहाँ पे वो लड़के को काटते हैं। तो दोस्तों हमारा मसाला देखो बहुत अच्छे से भून चुका, अब हम इसमें डाल देते हैं कतली, पानी है, बेसन का ही ये डाल देते हैं, बचा हुआ जो बॉइल करा था कतली बॉइल करी थी वो है, तो हमने वही पानी डालना है, इसमें डाल देते हैं थोड़ा हरा धनिया, थोड़ा सा ये तो इसमें उबाला आएगा और इसको गैस कर देंगे पानी। दोस्तों ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।